हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विक्रम सर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जो कुछ भी आप हमारा वीडियो में चल रहा है वो है प्रीपोजिशन। लास्ट आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में जानना हो, ये पूरा ये टॉपिक आपको पूरा डीप में जाकर सीखना हो, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में ये सभी टॉपिक्स आए हुए हैं। हमने सबसे पहले आपको पार्ट स्पीच के बारे में से 8 वर्ड्स हैं वो हमने सिखाया हुआ है। 8 वर्ड्स को हमने जब डिस्क्राइब किया तो उन दिनों हमने बताया था कि हम सीखेंगे प्रीपोजिशंस को। तो जैसे प्रीवियस 2 वीडियो हमारे ऐसे आ गए हैं जिसमें हमने काफ़ी सारे प्रीपोजिशन को सीखा हुआ है। इसमें जैसे कि फर्स्ट पेयर आपको दिख रहा है इन इनटू, सेकंड पेयर ऑन अपॉन, थर्ड पेयर अबव ओवर, फोर्थ पेयर आपका फ्रॉम टू, यहाँ तक हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है आपको इसको कैसे और कहाँ यूज़ करना है, इसके कंडीशंस क्या है ये हमने आपको बताया हुआ है। आज हम देखते हैं नंबर फिफ्थ पेयर जो है वो हमारा है बिसाइड एंड बिसाइड्स। हम इसको सीखेंगे When and where, how to use, what is the condition of beside and besides, how to use, कैसे इसको use करना है, इसके conditions क्या है वो हमें देखना है। beside and besides, same similar word है beside and besides, एक letter इसमें add है s, इसकी वजह से इसका meaning different हो जाता है। beside का मतलब क्या होता है, beside means in side of, हम बोल सकते हैं पास में, बाजू में, पास में, बगल में, beside, and besides means क्या होता है, besides, it means इन एडिशन टू, इसके अलावा, हम हिंदी में बोलते हैं इसके अलावा। तो इसको जिस तरह से जो मीनिंग निकलता है उसके हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि बिसाइड, बिसाइड का मतलब हमने बताया बिसाइड इन साइड ऑफ, पास में। यदि हमें ऐसा कहना है कि डॉक्टर मेहता मेरे घर के पास में रहते हैं, मेरे घर के पास में डॉक्टर मेहता रहते हैं, तो हमें ये वर्ड यूज करना है बिसाइड, डॉक्टर मेहता लिव्स बिसाइड माई होम। अब जैसे कि ये वर्ड है बिसाइड्स, तो बिसाइड्स का मतलब क्या हुआ, इन एडिशन टू, हमारे पास ऑलरेडी पहले से कुछ अवेलेबल होता है और हमें यह कहना होता है कि इसके अलावा हमें कुछ और चाहिए। जब भी हम ऐसा कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऑलरेडी पहले से है, इसके अलावा हमें कुछ और चाहिए, तो हम ये वर्ड यूज करेंगे बिसाइड्स। सपोज जैसे हमें कहना है कि हमारे पास पैसे हैं, इसके अलावा हमें सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, तो कैसे बोलेंगे, हैविंग मनी, हैविंग लॉट ऑफ मनी बिसाइड्स रिस्पेक्ट इन आवर सोसाइटी। हमारे पास कपड़े हैं, इसके अलावा हमें पैसे चाहिए, हैविंग क्लोथ्स बिसाइड्स मनी। बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं अंकल अंकल हमारे पास बुक्स एंड नोटबुक्स है, इसके अलावा हमें पेन और पेंसिल्स चाहिए, तो वो कैसे बोलेंगे, वो बोलेंगे हैविंग बुक्स एंड नोटबुक्स, हैविंग बुक्स एंड नोटबुक्स बिसाइड्स पेन एंड पेंसिल्स। तो ये हमने सीखा बिसाइड एंड बिसाइड्स के बारे में। इसके मीनिंग को याद रखना है आपको, बिसाइड मींस इन साइड ऑफ, के पास में, बाजू में या बगल में, बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, इट मींस इसके अलावा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नंबर 6 बिटवीन अमोंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़े वर्ड मीनिंग को इसको ध्यान रखिए, बिटवीन का मतलब क्या होता है, बिटवीन मींस बीच में, बीच में, ये वो एक ऐसा वर्ड है हिंदी में बीच में, काफी लोग बोलते हैं भीड़ के बीच में, 10 लोगों के बीच में, नहीं, बीच में ये जो वर्ड है बिटवीन, ये हम तभी यूज करेंगे जब 2 लोगों के बीच की बात हो, जब 2 लोगों के बीच की बात हो तो हम ये वर्ड यूज करते हैं बिटवीन। और जहां अमाउंट का, इस अमाउंट का कंडीशन क्या है, मोर देन टू, जब भी हम 2 से ज्यादा लोगों की बात करते हैं, मोर देन टू, तो हमें यूज करना है अमाउंट। वेरी सिंपल, जब भी हम 2 लोगों के बीच की बात कर रहे हैं वो बिटवीन है, और जब हम देखते हैं 2 से ज्यादा हो गए, मोर देन टू, उसके लिए हम यूज करेंगे अमाउंट। तो बिटवीन मतलब बीच में, अमाउंट मतलब आपस में। हमें कहना है यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स हैं, इसे राम और श्याम इन दोनों के बीच में डिवाइड कर देना है, इन दोनों के बीच में डिवाइड करो, तो 2 ही लोग हैं। जब भी ओनली टू पर्सन्स, टू पीपल, टू थिंग्स, देन वी यूज बिटवीन। हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन। जैसे अब हमें कहना है कि डिवाइड द फ्रूट्स बिटवीन राम एंड श्याम, डिवाइड द फ्रूट्स बिटवीन राम एंड श्याम। अब हमें ऐसा कहना है अमोंग, मोर देन टू, जब भी 2 से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे अमोंग। जैसे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं बहुत सारे, अब यही सेंटेंस कहना है कि इन फ्रूट्स को लेकर बच्चों में बांट दो, तो कैसे बोलेंगे, डिवाइड द फ्रूट्स अमोंग द चिल्ड्रन, डिवाइड द फ्रूट्स अमोंग द स्टूडेंट्स, डिवाइड द फ्रूट्स अमोंग माई फ्रेंड्स। यानी कि ये जो 2 से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो हमें यूज करना है अमोंग। ओके, गॉट इट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 7 बाई विथ। मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड है बाई विथ, इन दोनों के काफ़ी सारे कंडीशन से यूज हैं, बाई कहाँ यूज करना है, विथ कहाँ यूज करना है, इसके मीनिंग के हिसाब से इसके डिफरेंट यूजेस भी हैं। चलिए हम एक यूज सीखते हैं,
जिसको हम जनरली यूज़ करते हैं जब हम वॉइस सीख रहे होते हैं ग्रामर में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो ये वर्ड ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। कैसे कैसे कहते हैं, जैसे मान लो कि हमारा एक्टिव में एक सेंटेंस होता है कि सीता राइट्स अ लेटर, अगर हम इसे पैसिव करना है तो क्या कहते हैं, अ लेटर इज रिटन बाय सीता, तो ये वर्ड आ गया। तो जनरली हम पैसिव में एक कंडीशन आपको बताते हैं बाय विच के लिए, बाय क्या है, बाय हम कब यूज़ करेंगे। अब एक छोटा सा एक सेंटेंस को माइंड में रखिए, वेन एवर समथिंग इज डन बाई समवन, जब भी किसी काम को किसी के द्वारा किया गया हो तो बाय है, हम यूज़ करेंगे बाय। जैसे कि सीता राइट्स अ लेटर, सीता पत्र लिखती है, अगर इसे हम घुमाकर बोले ऐसे कि पत्र किसके द्वारा लिखी जाती है, सीता के द्वारा, तो हमें यूज़ करना है बाय, अ लेटर इज रिटन बाय सीता। लेकिन अगर आपको, अब जैसे कि हम विद की बात कर रहे हैं, तो विद क्या है, किसी भी काम को हम करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एनी वेपन, एनी वेपन, एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी हथियार औजार की मदद से हम उस काम को कर रहे होते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट या वेपन का हम जब भी नाम देंगे तो हम यूज़ करेंगे विद। हम कैसे बोलेंगे, अ लेटर इज रिटन बाय सीता विथ अ पेन, विथ अ पेन, विथ अ पेंसिल, जब भी इंस्ट्रूमेंट का नाम आएगा, वेपन का नाम आएगा, हम यूज करेंगे विथ। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, अ टाइगर इज किल्ड बाय द हंटर, शिकारी के द्वारा, शिकारी के द्वारा मारा गया, टाइगर मारा गया शिकारी के द्वारा, अ टाइगर इज किल्ड बाय द हंटर, उसने किससे मारा, उसके पास कोई तो वेपन होगा, हथियार होगा, जैसे इंस्ट्रूमेंट का हम नाम लेंगे हमें यूज करना है विथ, विथ अ गन, विथ अ नाइफ, विथ अ पेज, विथ अ सॉर्ड, विथ एन एरो, वट एवर, हमने जब भी वेपन का नाम लिया उसको हमें यूज करना है विथ। ओके, नंबर 8 सिंस फॉर, नंबर 9 एट इन अकॉर्डिंग टू प्लेस, एंड नंबर 10 एट इन ऑन अकॉर्डिंग टू टाइम। मैं आपको बताना चाहता हूँ इन सभी प्रीपोजिशंस को कैसे यूज़ करना है, इसके काफ़ी सारे कंडीशंस को एकदम डीप में जाके आपको बताया जा रहा है, मैं पूरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो भी टीचिंग है ये ओरल चल रहा है, अभी जैसे ही ओरली खत्म हो जाएगा हम इन चीज़ों को राइटिंग में भी करेंगे, मैं आपको इनको राइटिंग में भी करके इसे कंडीशंस को लिख कर इन एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंडीशन से ये एग्जाम्पल्स हैं, हम इसको राइटिंग में करेंगे, अभी फिलहाल हम इसको ओरल डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि नंबर 8 हमारा टॉपिक है सिंस फॉर, तो सिंस और फॉर ये दो ऐसे वर्ड हैं जिसे हमें यूज़ करना है, हमें पता नहीं चलता कि सिंस फॉर को यूज़ कहाँ करना है। तो सबसे पहले अपने आप दिमाग में एक बात आप गौर से समझिए, एक बात आप सोच लीजिए, सिंस और फॉर ऐसे वर्ड हैं जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ प्रीपोजिशन जब हम टाइम की बात कर रहे होते हैं, समय की बात कर रहे होते हैं, जब हम समय की बात कर रहे होते हैं तो ये दो वर्ड कंपलसरी यूज़ करना होता है, सिंस और फॉर, सिंस अथवा फॉर। तो हमें यह सीखना है आज की वीडियो में, ये सीख लेना है कि सिंस कब यूज़ होगा और फॉर कब यूज़ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंस को कब यूज़ करना है, फॉर कब यूज़ करना है। तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि हमने कहा टाइम, टाइम को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और एक हमारा सेकेंड हो गया पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, जब भी हम समय को हमने नाम से बुलाया, जब भी हमने समय का नाम लिया, समय के जैसे कि मान लीजिए दिन के चार पहर होते हैं, दिन के चार सेक्शन हैं, तो हमने उसको डिवाइड कर लिया मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट, ये जो हमने जो सेक्शन डिवाइड किया, सिक्स आवर्स मॉर्निंग, सिक्स आवर्स आफ्टरनून, सिक्स आवर्स इवनिंग, सिक्स आवर्स नाइट, जो भी हमने इसको डिवाइड किया, इसको इसी सेक्शन को हमने जो नाम रख दिया इसका, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट, ये नाम हो गया, ये नाम जब भी हम समय का नाम लेंगे ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, और जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं तो हमें यूज करना है सिंस। सपोज आपने नेम ऑफ डेज, सेवन डेज का नाम आपने कहा, संडे मंडे ट्यूजडे व्हाट एवर, आपने नेम ऑफ डेज संडे मंडे आपने कहा, पॉइंट ऑफ टाइम क्या यूज करना है, सिंस। आपने 12 मंथ्स के नाम आप बोल रहे हो, जनवरी फरवरी, क्या यूज करना है, सिंस। नेम ऑफ ईयर, सपोज हमने कहा 2010, 2012, 2035, 2035, 2020, 2010, हम जिस जब भी समय का नाम लेंगे ये हमारा यूज करना है हमें सिंस। टाइम जब समय का आप नाम लेते हैं ना, नेम, वो हो जाता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, और सेकेंड क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, इट मीन्स लॉन्ग टाइम। आपने कहा, जैसे कि हमने एक सेंटेंस बोला कि वह सुबह से टीवी देख रहा है, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, लेकिन आपको अगर ऐसा कहना है कि वह दो घंटे से देख रहा है, ये हमारा फॉर, लॉन्ग टाइम, जब भी हम समय का नाम नहीं लेंगे तो हमें दिखेगा लॉन्ग टाइम, पीरियड, दो घंटे से। हमने कहा वे लोग सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लोग सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये जो टाइमिंग हमने नाम ले लिया सोमवार, ये हो गया सिंस मंडे। अगर हमें ऐसा कहना हो कि वे लोग चार दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लोग दो महीने से क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने समय का नाम नहीं लिया, जब भी हम समय का नाम नहीं लेंगे तो आपको पता होना चाहिए अब समय का नाम नहीं आया, यानी ये लॉन्ग टाइम हो गया, नाम नहीं आया यानी कि लॉन्ग टाइम हो गया, वे लोग चार दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर फोर डेज, वे लोग दो महीने से क्रिकेट खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट,
दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर टू मंथ्स, जब भी लॉन्ग टाइम यूज करेंगे तो उसके लिए हमें यूज करना है फॉर। वेरी सिंपल दोस्तों, आज हमने अभी राइट नाउ जो हमने आपको बताया वो है सिंस फॉर। इसको हम कैसे यूज करेंगे? सिंस को हमें यूज करना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब भी समय का नाम लेंगे सिंस यूज करेंगे, जब भी हम समय का नाम नहीं लेंगे लॉन्ग टाइम ग्रुप में आएगा हम फॉर यूज करेंगे। हमें कहना है कि वह मेरा इंतजार सोमवार से कर रहा है। कब से? सोमवार से। आपका नाम आ गया, आपको यूज करना है सिंस। ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मंडे। आपको ऐसा कहना है कि वे लोग 6 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो कैसा बोलना है आपको? आपको कहना है दे हैव बीन, वे लोग परीक्षा की तैयारी 6 महीने से कर रहे हैं। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स फॉर 6 मंथ्स। जब भी आपका समय का नाम नहीं होगा तो वो लॉन्ग टाइम होगा, उसके हम यूज करेंगे फॉर। जब समय का नाम ले लेंगे तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, उसके हम यूज करेंगे सिंस। ओके, हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नंबर 9 एट इन। इसे हमें सीखना है अकॉर्डिंग टू प्लेस। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आप एक बात पे गौर कीजिए, एट इन अकॉर्डिंग टू प्लेस। जब भी हम एक बात समझिए, नेम ऑफ विलेज, नेम ऑफ विलेज, नेम ऑफ स्मॉल प्लेस, छोटे से जगह का नाम, एक छोटा सा गांव का नाम हो ना तो हम यूज करेंगे एट। छोटा सा कोई सेक्टर हो, कोई गांव हो, नेम ऑफ विलेज, नेम ऑफ स्मॉल प्लेस, वी यूज एट। एट का यूज करते हैं नेम ऑफ विलेज। आप मेरी बात समझिए, हमने कहा महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ। कहाँ हुआ? पोरबंदर, एक नेम ऑफ विलेज हमने बोल दिया पोरबंदर। तो हम इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वर्ड आएगा एट। कैसे आएगा? महात्मा गांधी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। वेरी सिंपल, नेम ऑफ स्मॉल प्लेस, नेम ऑफ विलेज वी यूज एट, एंड नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ टाउन, नेम ऑफ लास्ट सिटी, कंट्री, स्टेट वी यूज इन। जब भी हम छोटे शहर का नाम लेंगे, छोटे सा गांव का नाम लेंगे, हमें यूज करना है एट। एक बड़ा सा सिटी हो, बड़ा टाउन हो, सिटी हो, टाउन हो, कंट्री हो, स्टेट हो, हम यूज करेंगे इन। कंपेरिजन नहीं करेंगे, कंपेयर करके हम छोटा बड़ा नहीं करेंगे। आपको दिखना चाहिए वो नेम, स्मॉल प्लेस, स्मॉल विलेज, नेम ऑफ विलेज आपको यूज करना है एट। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम आते हैं नंबर 10 पे, एट इन ऑन। ये हमारा है अकॉर्डिंग टू टाइम। यहां हमने सीखा अकॉर्डिंग टू प्लेस, इट्स वेरी सिंपल, सिंपल इजी टॉपिक। बिफोर द नेम ऑफ स्मॉल विलेज, स्मॉल प्लेस, एंड लार्ज सिटी, लार्ज टाउन, बिग सिटी, वॉट एवर वी यूज इन। ओके, हम सीखेंगे एट इन ऑन अकॉर्डिंग टू टाइम। तो समय के अनुसार हम इन तीन वर्ड को कहाँ यूज करेंगे? जैसे तीन वर्ड आपको दिख रहे हैं एट इन ऑन, तो हम बात करते हैं एट की। तो अगर हम टाइम की बातें कर रहे हैं तो एक बात आप समझ लीजिए, फिक्स टाइम, फॉर द फिक्स टाइम। जब भी फिक्स टाइम की बात कर रहे होते हैं तो हमें यूज करना है एट, एट 5 o'clock, एट 6 o'clock। ओके, वेरी सिंपल, एक ही कंडीशन है इसके लिए। एट के लिए आपको सिर्फ इतना देखना है फॉर फिक्स टाइम, फॉर फिक्स टाइम, फिक्स टाइम हो तो आपको यूज करना है एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 9 o'clock, एट 9 p.m., एट 8 p.m., 7 p.m., 7 a.m., 6 a.m., वॉट एवर एट। हम आते हैं इन। इन के दो कंडीशन से, दो एकदम इजी आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप महीने के नाम, बिफोर द नेम ऑफ मंथ्स, बिफोर द नेम ऑफ ईयर, आप महीने का नाम लेते हैं, आप साल का नाम लेते हैं, ईयर का, वहां आपको यूज करना है इन। सपोज कि आपको कहना है महीने, आपको ऐसा कहना है कि मेरा फ्रेंड, जैसे कि मेरा फ्रेंड रमेश वो जनवरी महीने में आएगा, नेक्स्ट मंथ जनवरी महीने में आएगा। आपको कैसे बोलना है? माय फ्रेंड रमेश विल कम इन जनवरी, इन नेक्स्ट मंथ। जब भी महीने का नाम लेंगे इन जनवरी, इन फरवरी, मंथ के नाम के पहले आपको यूज करना है इन। और सेकंड क्या हो गया? ईयर। आपको ऐसा कहना कि मेरा फ्रेंड लंदन में है, वो 2020 में आएगा, ही विल कम इन 2020, नेम ऑफ ईयर। जब भी आपने साल का नाम लिया वहां भी इन आपको यूज करना है, जब आपने महीने का नाम लिया मंथ का नाम, नेम ऑफ मंथ आपको यूज करना है इन। तो इन कहां यूज करना है? नेम ऑफ मंथ एंड ईयर। हम बात करते हैं ऑन की, अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे हम इसको देख रहे हैं ऑन। ऑन इट्स वेरी सिंपल, नेम ऑफ डेज, दिन के नाम, संडे मंडे आप बोलते हो संडे मंडे, इसके नाम के पहले ऑन। हिंदी में काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ हम समझ नहीं पाते ऑन। ऑन को एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको ऐसा कहना हो कि मेरा फ्रेंड सोमवार को आएगा, तो हमने बोल दिया को, तो आपको क्या लग रहा है कि ऑन का मतलब पर? नहीं, हमने समय के लिए इसको यूज़ करना है, इसको प्लेस के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप माइंड में रखिए, ऑन को हम यूज़ सीख रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम। ऑन कहाँ यूज़ करेंगे? ऑन यूज़ करेंगे बिफोर द नेम ऑफ डेज एंड डेट्स,
दिन और तारीख के नाम के पहले हम ऑन यूज करेंगे। आपको बोलना है कि वह सोमवार को आएगा, he will come on Monday। डेट को कैसे यूज करेंगे, सपोज कि मेरा कोई फ्रेंड है, ये हम राइटिंग में आपको बताऊंगा मैं, आप राइटिंग में से लिखते हैं ना, तो जैसे आज मान लीजिए कोई भी डेट है, 10 तारीख है, 9वें महीने का 10 तारीख है, तो हम बोलते हैं 10/09/2019। तो ऐसे आप डेट लिखते हैं तो वहाँ ऑन नहीं आएगा, आपको डिस्क्राइब करना होगा। जैसे कि आपको कहना है कि माई बर्थडे पार्टी विल बी हेल्ड इन माई रेजिडेंस ऑन 17th day of September। आप जब इस वर्ड में, इस वे में आप डेट को मैंशन करते हैं तो ऑन यूज करेंगे। ऑन को यूज करने के दो कंडीशंस हैं, बिफोर द नेम ऑफ डेज एंड डेट्स। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अभी सीखा, ये 10 पेयर हमारे हो गए, यानी हमने अब तक 20 और 21 वर्ड्स को यूज करना सीखा है। ये सभी हमारे प्रीपोजिशंस हैं। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, हमारे हर वीडियो को देखते रहिए। आपको मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपको इन्हीं सब प्रीपोजिशंस को, इन्हीं सब वर्ड्स को हम पूरा राइटिंग में करने वाले हैं। हर कंडीशन, हर चीज के, हर वर्ड्स को हम कंडीशंस के साथ राइटिंग में विथ एग्जांपल हम आपको बताने वाले हैं कि इनको कैसे यूज करेंगे। अब तक हमने जो भी सिखाया है, जो भी बताया वो ओरल हमने डिस्कशन कर दिया, हम इसको राइटिंग में करने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं इन सभी वर्ड्स को कैसे यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। ओके।